शीतल कावा और आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में। आज हमारे साथ है इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स, जो इस बार का एपिसोड कितना खास हुआ था उसके बारे में बताएंगे और अब तक की जर्नी कैसी रही वो भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले हमसे बात करेंगे वैभव, स्वागत है आपका एंड बताइए हमें कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितना मज़ा आ रहा है इंडियन आइडल में? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे और मैं इस प्यारी सी जर्नी को, जो ये कुछ महीनों की जर्नी होती है, ये हमारे ज़िंदगी के पन्नों पर हमेशा छप जाती है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। और ये बहुत ही खास मेरे लिए है कि मुझे भगवान ने ये मौका दिया कि मैं इस बड़े से स्टेज पर खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचा पा रहा हूँ और अपने प्यारे से शहर कानपुर को भी रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत खास है। मैं हमेशा हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट दूँ और ऊपर वाला ये लाज रखता है मेरी हर बार, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छा गाता रहूँ। और इस जर्नी में गा गा कर अब हम इतना आगे आ गए हैं कि अब कंपटीशन भी बहुत टफ हो गया है। और जैसे कि ये एपिसोड जो हो रहा है अब जो आने वाला है, जिसमें हमारे प्यारे बाबा यानी संजय दत्त जी आने वाले हैं और वो पहली बार आ रहे हैं आइडल पे, ये हम सब कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि हम सब उनके सामने परफॉर्म कर पा रहे हैं। पहले के किसी भी सीज़न में कंटेस्टेंट संजय दत्त जी के सामने परफॉर्म नहीं कर पाए, हमको मौका मिल रहा है कि हम उनके गाने परफॉर्म कर सके। और एक बहुत ही खास बात कि वो अपने माता पिता सुनील दत्त जी और नरगिस जी के लिए भी आ रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट, उनको सेलिब्रेट करने के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमने पूरी कोशिश की थी कि हम उनको याद कर पाएँ और संजय दत्त जी को उनका बचपन याद दिला पाएँ जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ बिताया था। और देखना ना भूलें, ये वाला एपिसोड बहुत खास होने वाला है। और उन सब संजय दत्त जी के चाहने वालों को और उनके माता पिता को चाहने वालों को के लिए एपिसोड बहुत खास होने वाला है, तो देखना ना भूले। इंडियन आइडल सैटरडे संडे रात 8 बजे से 9:30 बजे तक। थैंक यू। और इसी के साथ अनन्या, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस और इस हफ्ते कौन सा अलग गाना लेके आएंगे और इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है? बहुत अच्छा लगा ये इस हफ्ते गाना गा के, और संजय दत्त जी हम सबके फेवरेट है तो उनके सामने उनका ही गाना गाना बहुत अच्छा लगा। तो इस हफ्ते थोड़ा धमाका होने वाला है सबके साथ ही, और जो गाना मैं गा चुकी हूँ तो वो मेरी बहुत बहुत पसंदीदा गाना है। एक है आशा जी का गाना, एक है लता जी का गाना, तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे वो गाना, और वो ही गाना मैं गा चुकी हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर, बहुत प्रिपेयर की, बहुत मेहनत की ताकि उनको अच्छा लगे, जजेस को अच्छा लगे, एंड यस बहुत अच्छा लगा गाना। और मेनू का इस हफ्ते संजय दत्त जी आ रहे हैं, हमने सुना है कुछ स्पेशल मोमेंट भी हुआ है आपका उनके साथ, तो क्या कहेंगे? इस एपिसोड में सबने बहुत मतलब बहुत मेहनत किया है उनके सामने गाना गाने के लिए, बहुत ही मेहनत किया है। मैंने भी लता जी का तो गाना गाया है, और जो भी उन्होंने कमेंट्स किया है ये हमारे लिए सच में एकदम उनसे कुछ सीख रहे हैं हम सब ने, मुझे लगता है कि सब ने कुछ ना कुछ तो सीखा उनसे, तो उनकी लाइफ की स्टोरी सब कुछ पहले से हम पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने मिलना, उनके सामने परफॉर्म करना ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और बहुत मेहनत किया है। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि इंडियन आइडल के ऑडिशन से शुरू से अभी तक हमारे फैंस जितने भी सब कंटेस्टेंट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सब, मैं बोलना चाहती हूँ कि सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा ऐसे हमारे लिए सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।
और अंजुना क्या कहेंगे, आपका जो सफ़र है कैसा रहा स्टार्ट टू एंड, एंड अब जो संजय दत्त आ रहे हैं, सो इस एपिसोड के लिए आपने कितनी मेहनत की है? पहले तो आई थिंक आइडल की जर्नी बहुत ही ज़्यादा खास रही है, ऑडिशन से लेके आज तक। आई थिंक हर एपिसोड में हम सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नए पर्सपेक्टिव से हम लोग उस स्टेज पे उतरते हैं, एक नया परफॉर्मेंस, एक नया माइंडसेट के साथ। तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, जो लर्निंग और ग्रोथ हर एक कंटेस्टेंट का हो रहा है। रही बात सुनील दत्त जी, सॉरी संजय दत्त जी के आने का और उनके पापा दैट इज़ सुनील दत्त जी और नरगिस मैम का एपिसोड जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। उसके अलावा संजय दत्त जी के भी मूवीज़ के जो गाने हैं हम गा रहे हैं उनके सामने, जैसे कि वैभव ने भी बोला कि ये पहली बार हो रहा है कि संजय दत्त जी हमारे इंडियन आइडल के सेट पे आए हैं, हम सबको ये मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि संजय जी ने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं, उनके मेडिकल कंडीशंस के बारे में शेयर किया, उन्होंने कैसे उस चीज़ से फाइट किया है, उनके नॉर्मल पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, उनसे लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, वो सब बोला है उन्होंने, जो बहुत ही ज़्यादा खास है। आई थिंक सबको बहुत मज़ा आएगा, तो देखना ना भूलिए, ओनली ऑन सोनी। सो पीयूष, आपके गाने, आपका आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, सो इस हफ्ते कैसे आप ऑडियंस को और एंटरटेन करने वाले हो आपकी आवाज़ के साथ? हेलो, सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन आइडल की जर्नी हम सब के लिए एक ब्लेसिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत ही कमाल की जर्नी रह रही है और ज़्यादा ख़ास हो गई है कि संजय दत्त जी इस एपिसोड में आ रहे हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल है। और संजय दत्त जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जितने बड़े वो फनकार हैं, उतने ही पोलाइट वो इंसान हैं, उतने ही कमाल के वो पर्सनैलिटी हैं। सो इस बार उन्होंने आइडल में आकर उनके पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग थी, उनके फैमिली के साथ जो रिश्ते थे और भी जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो सारे रिवील किए हैं, जो आज तक शायद उनके चाहने वालों को नहीं पता थे। तो ये एपिसोड सच में ही बहुत स्पेशल होने वाला है और हम सभी बच्चों को इतना प्यार दिया उन्होंने, सो वी ऑल आर सो थैंकफुल टू यू बाबा, वी ऑल लव यू, आपको बहुत सारा प्यार। एंड ज़रूर ज़रूर इंडियन आइडल देखिए 8 बजे शनिवार एंड रविवार सोनी टीवी पर, थैंक यू। और इसी के साथ हम ऑन स्क्रीन तो आपकी बॉन्डिंग देख ही रहे हैं, सब लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो, काफ़ी घुल मिल के रहते हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन क्या है, यू नो कितनी मस्ती होती, कौन सबसे ज़्यादा एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं, सो कौन बोलना चाहेगा? ओके, तो सब लोग वैभव को देख के हंस रहे हैं, सो वैभव क्या है? कुछ नहीं है, मतलब मैं इन लोग को भी परेशान करता हूँ, लेकिन अब ये लोग मुझसे ज़्यादा ही कुछ मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, मुझे ही परेशान करते हैं, मेरी ही टांग खिंचाई करते हैं। मैं कदम भी रखता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, जिससे मेरी टांग खिंचाई हो जाएगी। तो हम, लेकिन हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है और हम एक दूसरे के लिए हर मुसीबत में खड़े हैं। किसी को गाना नहीं याद होता, लिरिक्स नहीं याद होती, तो हम सबकी मदद करते हैं और बहुत प्यार है हम सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में। और हमने ये जो फैमिली बनी है हमारी, ये परिवार, ये जो खूबसूरत सा परिवार है, और इस परिवार के साथ रहते रहते हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने घर को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। जब मैं किसी, जैसे अंजना दीदी से मैं बात करता हूँ या अनन्या से बात करता हूँ, तो मुझे मेरी बहन की कमी महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है कि मेरी बहन मेरे साथ हमेशा खड़ी है और हर मुसीबत में मेरी मदद करती है। तो जब भी मैं निराश होता हूँ या कुछ भी रहता है, मैं याद करता हूँ, घर को याद आती है मुझे, तो ये लोग हमेशा, पीयूष भैया मेरे रूममेट है, तो ये हमेशा, इनको पता चल जाता है मेरे चेहरे से कि मैं उदास हूँ, तो हाँ, जैसे मैं ये मेकअप भी कर देती है मेरा कभी कभी, तो जब मुझे कहीं बाहर जाना रहता है, हाँ ये रसगुल्ला भी लाते हैं इसके कोलकाता से। हम और मेनका ने एक बहुत ही एक प्यारा सा, हमने एक चीज़ निकाली है, जो हम जब हमको कुछ मज़ा ऐसा कुछ एनर्जेटिक होता है ना, एक बटन होती है एनर्जी प्रेस करने वाली, तो वो एक चीज़ करते हैं हम। तो मेनका हम क्या करते हैं, 1 2 3 क्या बात है, ये हम करते हैं, इससे हमारे, ये मेरी, हमारा सिग्नेचर है, तो हम ये करते हैं थोड़ा फॉर हैविंग सम एनर्जी। एपिसोड में भी साथ में रहते हैं, साथ में बैठते हैं, नचाता है मेरे को कभी-कभी। अंजना दीदी के साथ में बैठता था, अंजना दीदी के साथ में 2-3 एपिसोड बैठा, अंजना दीदी ने गिव अप कर दिया कि मैं वैभव के साथ नहीं बैठूंगी।
और नहीं नहीं तुम मत बैठो, अब सब डरने लगे कोई मेरे साथ ना बैठे, पता नहीं क्यों, शायद ये डरना जरूरी है, डरते रहो, सब डरो बस। फैमिली के साथ बात करके मुझे काफ़ी मज़ा आया, और आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ पे जो आपका हर गाने का बहुत ही इंतज़ार करते रहते, तो उनके लिए एक गाना हो जाए आप सभी एक साथ में। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे, मनवा लागे तो मनवा लागे, लागे ने साबरे, लागे ने साबरे, नहीं जाने को रिस्क नहीं चाहिए, करूंगी और भी तैयार हमारा।